तो क्लास 11th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आज देखेंगे सब चैप्टर 6। वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और अच्छे तरीके से समझना है तभी समझ में आएगा, और नहीं तो ये समझ में आने वाला चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले देखो आज हम चालू करेंगे तुम्हारा अगला जो चैप्टर 6 है, और ये है इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर सिक्स लीनियर इनइक्वालिटीज, इसको हिंदी बोलते हैं रैखिक असमीकरण, है ना। हिंदी क्या बोलते हैं इसको, रैखिक असमीकरण हिंदी में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज क्या है, हम बात करते हैं कि भाई असमीका क्या होता है, ठीक है ना। असमीका तो तुम लोग देखो जानते होगे, जब कोई भी अगर हमको बीजी व्यंजक दिया है ना, कोई भी, जैसे मान लो हमको ये दे दिया है AX + B = 0, ये क्या दे दिया है, कोई रैखिक समीकरण है ना। रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। तो AX + B = 0 ये रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है ना। अगर हम ये जो बराबर है इसकी जगह पर हम छोटा लगा दें, छोटा बोलते हैं, अगर हम इसको बड़ा लगा दें, या हम इसको ऐसे लिख दें छोटा बराबर 0, या हम इसको ऐसे लिख दें AX + B बड़ा बराबर, तो हम इसको असमीकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, असमीकाय, ठीक है ना। जैसे ये छोटा बड़ा बराबर ये सब लग जाएगा, छोटा बराबर हम इसको बोलते हैं रैखिक असमीकाय। रैखिक असमीकाओं का कुछ नियम है, जैसे देखो, जैसे सबसे पहले अगर आपने दिया है कि 3 छोटा है 5 से, तो कोई भी एक निश्चित संख्या को तुम इसके दोनों का प्लस या माइनस कर, जैसे मेरा मान है कि मैं 2+ कर या मैं 2-, तो हम किसी भी निश्चित संख्या को हम दोनों तरफ प्लस माइनस कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं और इसको गुणा भी कर सकते हैं, तो असमीकाओं का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। जैसे देखो यहाँ पर किया तो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा और छोटा होगा 7, यहाँ पर कहूँगा आ जाएगा 1 छोटा हो गया, ठीक है, 1 छोटा हो गया, फिर इस तरह से। तो अगर हम किसी निश्चित संख्या गुणा भी तुमको करना है, जैसे मान लो मैं इसमें 2 को गुणा करता हूँ, यहाँ भी 2 होता 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो गया। अगर हम भाग दे देता हूँ चलो 3 से, तो मेरे को दोनों तरफ देना पड़ेगा, 1 < 5/3। तो अगर हम किसी भी असमीका में, ठीक है, हम कोई भी निश्चित संख्या हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भाग देंगे, तो असमीकाओं के चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। ये पहला इसका प्रॉपर्टी हो गया, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, जैसे अगर 3 छोटा है 5, तो जैसे अगर मैं इसको माइनस चिन्ह से अगर गुणा करूंगा, -3 इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा। जैसे हम अगर माइनस संख्या से गुणा करेंगे तो इसका जो चिन्ह है वो अपने आप बदल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए -3 बड़ा हो गया -5 से। तो ये दो बहुत ही इसके इम्पोर्टेंट नियम है असमीकाओं का, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.1। तुम्हारा 6.1 पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए 24x छोटा है 100 से, नंबर 1 जब x एक प्राथमिक संख्या है, x एक प्राथमिक संख्या है, दूसरा जब x एक पूर्णांक
मतलब एक से, तो ये हमको हल करना है। तो चलो पहले हम हल करते हैं पहला वाला क्वेश्चन, x एक प्राकृतिक संख्या है और इसको हमको हल करना है। तो पहले वाले जो क्वेश्चन दिया तुम्हारा 24 है छोटा है सौ है ना, 24 है छोटा है सौ। तो असमिका के बाद क्या होता है, वो किसी भी निश्चित संख्या से हमको निकालना है, इसका क्या निकालना दिखाना, x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले x अकेला बचे, तो सबसे पहले तुम इसको 24 से चारों को भाग दे सकते हैं दोनों तरफ। अभी अपन पढ़े किसी भी एक निश्चित संख्या से हम दोनों तरफ भाग दे सकते हैं, कटेगा तो x आ जाएगा, इसको काट दे सकते हैं, ये आ जाएगा 4 से 25 और आ जाएगा 6 यानी 25/6। चलिए x आ जाएगा 4 से 1। तो अब इसमें आंसर आपको क्या आएगा, x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या और शर्त आया है x छोटा है 4 से 1/6 से, x इससे छोटा है, यानी जो हमारा आंसर आएगा, जो तुम्हारा उत्तर आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 and 1/4 चार से ज़्यादा हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, 2, 3, 4। ऐसे क्वेश्चन 2, 3, 4 सब एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इस तरीके से इसको आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन नंबर 4 बता दो, क्वेश्चन नंबर 4 3x+2 हल करना है, 3x+2 3x+8 बड़ा है उसे नंबर 1, जब x एक पूर्णांक है और दूसरा है जब x वास्तविक संख्या, x वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हम इसको अब देखो तुम लोग मुझे एक और आसान नियम बता देता हूँ, 3x+8 बड़ा है, तो इस ये जो बराबर, ये जो असमिका का चिन्ह होता है ये वैसे ही काम करता है जैसे बराबर का चिन्ह करता है ना, ये जो गेट है इसको उधर पक्षांतर भी कर सकते हैं, ये तुम्हारा ऐसे नहीं है प्लस उधर जाएगा तो जाएगा माइनस से, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3x बराबर इससे माइनस सिक्स से, x बराबर माइनस सिक्स बाई 3 से कट के आ गया, x बराबर माइनस 2 से। तो अब इसका देखो इसका हमको आंसर बताना है, x माइनस 2 से बड़ा है। तो कभी भी जब हम इसको आंसर लिखेंगे तो हम जो आंसर लिखते थे पहले जो नॉर्मल आई है 0, 1, -∞ -2, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -2 यानी -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा मतलब इधर से ये पूरा जाएगा इस साइड, यानी जो इसका आंसर आएगा पहले वाले का फर्स्ट का जो आंसर आएगा -1, 0 ये सब का सब क्या आ जाएगा 1, 2 से लेकर के, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये बोलता है जब एक x एक वास्तविक संख्या, तो हम पहले दूसरा बात जब हल करेंगे x एक वास्तविक संख्या है, देखो दूसरे नंबर पर लिखो, तो पूरा दूसरे नंबर को यहाँ पूरा ऐसे लास्ट तक कर करते चले जाओगे, लेकिन जब ये तो पहले नंबर का आंसर आ गया, ठीक है दूसरे नंबर आंसर क्या होगा, तो वो दूसरे नंबर को लगाना ऐसे ही पूरा है, क्वेश्चन नंबर 2 जब x वास्तविक संख्या है तो 3x+8 बड़ा है 2 से, ठीक है 3x पक्षांतर कर दे इधर कि x कितना आ गया बड़ा है -2 से। इसका मतलब है इसका आंसर जब लिखेंगे तो जब कभी भी वास्तविक संख्या होगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो इंटरवल में आएगा -2 से बड़ा, यहाँ से -2 से बड़ा मतलब
कहां चालू हुआ है, माइनस वन से ले सकते और इंफिनिटी। तो ये आपका आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस दो से बड़ा, यानी कहां है ये माइनस दो को छोड़कर, माइनस दो को छोड़कर। अब आते हैं कुछ आगे क्वेश्चन में, देखो अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर, मैं कुछ हार्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे, तो जो बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 वो आपको एक बार सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन नंबर बहुत हैं, 4, 5, 6, 9, 10 सब इसी टाइप के, ये बड़ा क्वेश्चन था, तो मैं एक देखो इसको पहले स्टेप बाय स्टेप को समझना आप लोग, है ना, हम इसको कैसे रखते हैं। देखो पहले इसको कुछ करना नहीं, इसको इसी टाइप दे दो, चलो यहाँ पर क्या करना है, इसका एल्गोरिथम दे दो, तो इसका आ जाएगा 24 5 का एल्गोरिथम, ठीक है ना, 20 आ जाएगा। फिर आप देखो इसका यहाँ काटोगे तो 5 5 पूरा कर दो, इसमें 15x, इसका यहाँ पूरा कर दो 10, चलो इसका यहाँ कर दो -8 माइनस प्लस 4x, तो 2x माइनस 1/3 बड़ा है बराबर है 15 और 4 19x माइनस 18/20। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्रास कर देंगे, 20 2x-1 19x-18 इस टाइप का कोई भी अगर सवाल दिया है संख्या वाला आपको ऐसे ही हल करना है, ठीक है। अब अंदर इसको में जाओ कितना है, 40x-20 ये आ जाएगा, 57x और माइनस आ जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा तो 40x-57x, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो अब देखो ये घटेगा हमारा 40 में से क्या आ गया है, 57 घटेगा तो -17x आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 34, -x बराबर आ गया माइनस। तो अब देखो ये दोनों माइनस में आ गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस जो है एक्स इज दोनों माइनस है ना, ये चेंज हो जाएगा साइन ऑफ 34 और -17, तो कट करके आएगा एक्स इज देन आर इक्वल टू, तो ऐसे इस टाइप की जो भी क्वेश्चन होंगे तो पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, एक्स आ गया लेस देन आर इक्वल टू 2 आ गया, तो अब इसका मतलब हो गया आंसर हम कैसे निकालें, एक्स 2 से छोटा है, एक्स क्या है 2 से छोटा, तो अब इसको कैसे बनाओगे, तो पहले नंबर लाइन आंसर की नंबर लाइन जो करोगे उतना एक्स 2 से छोटा है, 2 है 2 से छोटा होता इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस, यानी 2 2 से कम लेकिन इक्वल भी लगा है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2 से कम होगा माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा, और 2 इक्वल भी लगा है तो यहाँ पर हाफ दो दिन जरूर, ठीक है, मैं बताया था वीडियो में जब कभी भी इक्वल लगेगा तो वहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा, तो आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी 2।
तो ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 6 पॉइंट, ठीक है ना। अब है अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, एक क्वेश्चन 70 और देखो, बहुत ही आसान है। 3x - 2 = 2x + 1, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, सरल रेखा में दर्शाना है। ये सरल रेखा है, नंबर लाइन में संख्या रेखा, संख्या रेखा में दर्शाना। तो इधर से इधर आ जाएगा 2x = 1 हो गया, x यानी x जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा मतलब यहाँ पर एक लाइन बनाओ, जैसे ये इस टाइप से 0, 1, 2, 3, 3 से छोटा जहाँ एक सर्कल ही बनाना है ना छोटे के लिए, अब वहाँ तक जाएंगे ये माइनस है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, 6 पॉइंट आप सॉल्व कर लेना, कोई भी किसी दिक्कत होगी वो पूछ सकता है। थैंक यू।